हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में पढ़ो लॉजिकल में। आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 30 एंड 38। अभी जस्ट मेरे पास एक क्वेश्चन आया है बच्चे का कि सर आर्टिकल 30 और 38 क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 30A करके कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 30 है, उसी में कुछ सब क्लॉजेज हैं, सब पार्ट्स हैं, 31A, 31B या 31 सब क्लॉज 2, इस तरीके से। सो आर्टिकल 30 है क्या? आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। वो माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एक अधिकार देती है दैट दे कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन फेथ। जैसे कि कोई क्रिश्चियन है तो अगर उसको अपने रिलीजन के हिसाब से बच्चों को सिखाना है या उनको अपब्रिंग करना है तो वो अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन में कर सके, पढ़ा सके सब कुछ। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न है, इसे एक स्पेशल राइट दिया जाता है। हालांकि ये ऐसा कुछ आर्टिकल अलग से कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन आर्टिकल 30A जो बताया जा रहा है आपको, 30A वो रॉन्ग है। 30A करके कोई भी आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 30 है, लेकिन 30 के बाद में फिर सब क्लॉज है 1A, इस तरीके से। अभी हम आगे समझते हैं इसको। देखिए आर्टिकल जो है उसके अंदर आप फर्स्ट टू पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिना कोई रिलीजन लैंग्वेज आपके पास अधिकार है कि आप अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपने रिलीजन में उसको पढ़ा सकते हैं माइनॉरिटीज़ में। अब क्या होता है कि जैसे कि काफ़ी बार एक 30A करके चलता है कि 30A में ये है कि गीता को नहीं पढ़ा सकते वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों पॉइंट्स को तो ये क्यों लाया गया, ताकि माइनॉरिटीज़ के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो जो भी चाहें अपने एजुकेशन या फिर अपने जो कल्चर है उसको ज़िंदा रख सकें, बस यही है, ठीक है। विद बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज अगर हम देखें तो जो सिख गुरुद्वारा है, धर्मशाला है, जैन धर्मशाला है, जो उनकी जो स्कूल होती हैं, मदरसा होती हैं इस्लाम के अंदर, तो उनको एक अधिकार दिया गया है हमारे भारत के अंदर। जो हमारा भारत है वो सेक्युलर है, आपको पता होगा, इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री वेयर एवरी रिलीजन आर इक्वल। सो दैट इज़ वाई ये प्रोविज़न, ये आर्टिकल 30 है, इसके अंदर 30A नहीं है, 31 करके है अगर आप देखेंगे, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के टाइम पे इसको लाया गया था। उसके अंदर और सब क्लॉज लाए गए थे। अगर हिंदी में समझाएं तो देखिए आर्टिकल का जो एक पार्ट है वन ब्रैकेट के अंदर वो लिखा गया है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, भाषा या धर्म के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज़ उन्हें अपनी मान्यता के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार होगा, ठीक है, ये आर्टिकल 31 कहता है। अब आर्टिकल 31A जो वन है, आर्टिकल 31 उसी के अंदर एक और पार्ट है, इसमें लिखा है कि यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित या संचालित शिक्षण संस्थान का अधिग्रहण राज्य द्वारा जरूरी हो जाता है, ऐसी स्थिति में राज्य अधिग्रहण के एवज में देने वाला मुआवजा ऐसे तय करेगी कि अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार में स्थिति भर का भी फर्क ना पड़े, रत्ती भर का भी फर्क ना पड़े, ऐसा कर लिखा हुआ है। तो ये दो आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल ए करके कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 30 में जो सेकंड पार्ट है वो है, इसमें ये कहा गया है कि शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने के दौरान राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब कंट्री है, गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है ना। स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मीन्स गवर्नमेंट। तो राज्य किसी भी संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन संचालित किया जाता है। तो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये माइनॉरिटी का है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो उनको एक अलग अलग तरीके से अधिकार दिए गए हैं। अब हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अल्पसंख्यक कौन है? देखिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो ये नीचे लिखे हैं आप देख सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो क्रिश्चियंस हैं, पारसी, ज़ोरास्ट्रियंस, बौद्ध, जो बुद्धिज़्म है, जैन, जैनिज़्म, ये जो लोग हैं ये अल्पसंख्यक हैं। तो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो ताकि फ्लरिश कर सकें।
तो यही है। साथ में अभी मैं आपको वो गैजेट भी शो कर दूंगा जिसके अंदर सरकार ने इन लोगों को एज अ माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है। सो आई होप आई हैव सॉल्व आउट योर डाउट। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस और कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप या फिर कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उसको जल्दी से सॉल्व आउट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।